राजधानी दिल्ली च 26 जनवरी नूं होई हिंसा दे मामले च गिरफ्तार दीप सिद्धू अते इकबाल सिंह नूं क्राइम ब्रांच दी टीम चाणक्यापुरी तों लाल किले वल लै के गई है। दस्सिया जा रहा है कि इत्थे गणतंत्र दिवस मौके वापरे घटनाक्रम नूं मुड़ तों दोहराया जाएगा। सो दस दिए कि गणतंत्र दिवस मौके किसानां दी ट्रैक्टर परेड दौरान हुई हिंसा के मामले च भीड़ नूं भड़काउण वाले मुख मुलजमां विच शामिल दीप सिद्धू ते इकबाल सिंह तों डीसीपी की अगवाई हेठ जांच अधिकारी ने 15 सवालों की लिस्ट बना के क्राइम ब्रांच के ऑफिस विच शुक्रवार को लगभग 4 घंटे तक पुछगिछ की गई, जिस विच दोवां मुलजमां का इक्को जवाब सी कि उन्हां दा कोई माड़ा इरादा नहीं सी अते जिवें सारे उत्थे जा रहे सन उह वी चले गए सी। उत्थे ही क्राइम ब्रांच ने कई डिजिटल सबूत इकट्ठे किए। पुलिस दीप सिद्धू के दोवां मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इन्हों की लोकेशन के आधार पर पूछगिछ करके उसके नैटवर्क को फरोल रही है। मुढ़ली तफ्तीश स्पष्ट होया कि हिंसा के मास्टरमाइंड कोई होर ही ने, दीप सिद्धू ते इकबाल सिंह तो सिर्फ मोहरा सन। दीप सिद्धू ने हिंसा वेले और झंडा लहराने वेले लाल किले के उपर मौजूद होने की गल मनी है, जदों कि पहलों तो ही इस गल के सबूत के वीडियो मौजूद ने। झंडा लहराने वेले उसने फेसबुक से लाइव भी किया। इस बारे दीप सिद्धू का कहना कि सोशल मीडिया से फैन फॉलोइंग वधाउण कारण उस कोलों यह गलती हो गई है। हिंसा बारे दीप ने कहा कि उसनू पता नहीं सी कि गल इन्नी विगड़ जाएगी। वह लाल किले ते लोगों का भड़काओ ते हिंसक रूप दे के बहुत घबरा गया सी। हिंसावादी देख वह लाल किले तो चला गया सी क्योंकि लोग उसकी गल भी नहीं मन रहे सन। हुण तक जांच विच दीप सिद्धू की मोबाइल लोकेशन राजघाट तो लाल किले के विचकार दी मिली है। दूजी लोकेशन कुंडली सिंगू बार्डर अते तीजी हरियाणा के शाहबाद कुरुक्षेत्र इलाके की मिली है। फिर उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। पुलिस सूत्रों अनुसार दीप सिद्धू ते इकबाल सिंह वालों बनाए गए वीडियो ते मोबाइल की लोकेशन राही कई अहम सबूत इकट्ठे किए गए। असल में 26 ते 27 जनवरी तक दीप सिद्धू दो मोबाइल नंबरों की वरतों कर रहा है। पुलिस उसके फोन की 26 जनवरी की CDR के आधार से हिंसा में उसकी मौजूदगी साबित करने लगी हुई है। इस तो इलावा नैटफ्लिक्स के रिचार्ज तो पुलिस को पहला सुराग मिलिया। 27 जनवरी इस नंबर की लोकेशन पंजाब के पटियाला तो मिली सी। इस तो बाद यह नंबर बंद हो गया। तकनीकी आधार से हिंसा वाले दिन उसके रूट से मौजूदगी का पूरा रिकॉर्ड खोलिया जा रहा है, जिसके आधार से उस दिन के उसके वक्त थाम से मौजूद होने का पता लगा। सो दस दिए कि राजधानी दिल्ली 26 जनवरी हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यापुरी तो लाल किले वाल लैके गई है। दसिया जा रहा है कि इतने गणतंत्र दिवस मौके वापरे घटनाक्रम मुड़ तो दोहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार कनेडा TV।